हिमाचल स्वदेशी शिल्प मेला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉगिंग आदि शक्ति बनारस दर्शन। और फ्रेंड्स देखिए, ये शिल्प मेला में अंदर एंटर करते ही ये मैट्स, डोर मैट्स वगैरह की स्टॉल लगी हुई है, और दाहिने साइड से ये स्टॉल शुरू होता है। अब पहले आप लोग इधर देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे डोर मैट्स वगैरह हैं। और ये देखिए, इधर लुधियाना कॉटन शर्ट मिल रहा है, और पर शर्ट जो है 200 रुपये इसकी प्राइस है। सभी की 200 रुपये प्राइस है, फिक्स प्राइस है। और ये मैं दिखा रही हूँ शिल्प मेला में अंदर एंटर करते ही, ये शुरू में ही है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर भी ले चलूँगी। और फ्रेंड्स, ये पूर्वांचल स्वदेशी शिल्प मेला वाराणसी के नाटी इमली में लगा हुआ है, भरत मिलाप मैदान में लगा हुआ है, और 27 नवंबर तक इसका डेट है, लेकिन अभी आगे भी बढ़ सकता है। और ये देखिए, सारे शर्ट्स कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे भी स्वेटर, पोंचो वगैरह सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, और किड्स के भी हैं यहाँ पे कपड़े। और ये देखिए, लिखा हुआ है पूर्वांचल स्वदेशी शिल्प मेला। फ्रेंड्स ये देखिए, अंदर एंटर करने पे ये गणेश भगवान जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है अस्थाई तौर पे। और ये देखिए, सब टॉप वगैरह मिल रहे हैं, वुलन और कॉटन सभी हैं। और ये देखिए, 100 रुपये में 2 मिल रहा है पीस, यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये देखिए, हैंडलूम्स वगैरह का भी यहाँ पे मिल रहा है, साड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं, और यहाँ पे मिल रहे हैं जैकेट्स, सदरी वगैरह। और ये देखिए, अगेन डोरमैट्स वगैरह और पूजा के आसन वगैरह भी हैं, 150 में 1 मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, किचन टूल्स वगैरह भी मिल रहे हैं, घरेलू रोजमर्रा के जो है उपयोग में आने वाले सब सामान मिल रहा है, कंघी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, हेयर बैंड वगैरह, और बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और आप लोग गणेश भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। से देखिए, वुलन कुर्तियाँ वगैरह मिल रही हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। और ये देखिए, शॉल वगैरह मिल रही हैं, कश्मीरी शॉल और वुलन कुर्तियाँ वगैरह। ये देखिए, पोचो वगैरह सब मिल रहा है यहाँ पे, देखिए पोचो टंगा हुआ है, और शॉल भी काफ़ी सुंदर सुंदर मिल रहे थे इस शिल्प मेले में। यहाँ भी खिलौने और रोजमर्रा के सामान, और ये देखिए, राजस्थानी मुरब्बे और अचार यहाँ पे मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, कॉटन के शर्ट्स मिल रहे हैं, इनके भी फिक्स प्राइस है 200 रुपये, और लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे थे, मतलब देखने में अच्छे दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों की जैकेट वगैरह की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पे मिल रही है चिकनकारी की खूबसूरत कुर्तियाँ, ये देखिए, एक से बढ़ के एक कलर और डिजाइन में बहुत ही अच्छे हैं, और ये भी 200 रुपये से शुरू है, और क्वालिटी के हिसाब से रेंज बढ़ता जाएगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कश्मीरी शॉल वगैरह मिल रहे हैं, स्टॉल वगैरह भी हैं। और ये देखिए पोचो स्वेटर्स भी काफ़ी स्टाइलिश हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चप्पल सैंडल्स वगैरह मिल रहे हैं लेडीज़ और जेंट्स भी हैं, आगे भी है स्टॉल लगा हुआ। और यहाँ देखिए शूज़ वगैरह सब अच्छे मिल रहे हैं और 300-350 से इनकी भी स्टार्टिंग है, 250-300 ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे चूड़ी कंगन वगैरह भी सब मिल रहे हैं और लोग शिल्प मेले में आकर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और ये देखिए सारी ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे झुमके और भी ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह देखिए काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। और मैंने देखा भी था कंगन वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे। देखिए यहाँ पे भी वही किचन टूल्स वगैरह और डेली यूज के सारे सामान मिल रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए लॉन्ग स्कर्ट वगैरह और शरारा गरारा सब कुछ मिल रहा था, दुपट्टे वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ चाकू वगैरह सब्जी छीलने का सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, पिलर वगैरह और कटर ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। किचन यूज के सारे सामान मिल रहे हैं, सैंडविच मेकर वगैरह सब। ये देखिए दुपट्टे मिल रहे हैं यहाँ पे, खूबसूरत सुंदर दुपट्टे हैं। और यहाँ पे भी देखिए कोट्स ब्लेजर और शर्ट वगैरह भी हैं, वुलन और कॉटन सभी हैं मिक्स यहाँ मिल रहे हैं। ट्राउजर वगैरह भी मिल रहा है, ट्राउजर्स के प्राइस है 100 रुपये है एक ट्राउजर्स के। और ये देखिए नमकीन वगैरह मठरी वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, खाद्य पदार्थ भी हैं लेकिन खाद्य पदार्थ के कम स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखिए छोटे बच्चों का भी मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ भी ये सारे सेल लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी खूबसूरत कश्मीरी कुर्तियाँ मिल रही हैं और इनकी प्राइस 650 से स्टार्टिंग है। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत कुर्तियाँ हैं और साथ में दुपट्टे भी लगे हुए हैं ये देखिए, और शॉल भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे शॉल और कुर्तियाँ कश्मीरी मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए सब ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। और ये देखिए शूज मिल रहे हैं और ये भी क्वालिटी के हिसाब से इनके रेंज बढ़ते जाएंगे, 350 से स्टार्टिंग है। बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं और ये देखिए यहाँ बेडशीट्स वगैरह भी मिल रही हैं। और यहाँ भी बेडशीट शॉल और स्टॉल वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि देखने में काफी सुंदर है। ये देखिए यहाँ भी वही है कश्मीरी कुर्तियाँ और ये सिलवाना होगा, मतलब कि नॉट स्टिच है, ड्रेस मटेरियल है, कश्मीरी फैब्रिक है। और इसकी भी स्टार्टिंग 650 से है।
डिफरेंट्स यहाँ भी देखिए, लुधियाना वगैरह के भी वूलन लगे हुए हैं कपड़े और शॉल, लुधियाना और कश्मीर से ज़्यादा लगे हुए हैं स्टॉल वूलन के। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगेन यहाँ भी वही है, कुर्तियाँ वगैरह सब हैं और यहाँ भी ब्लेजर वगैरह हैं, स्वेटर हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सॉक्स मिल रहे थे मुझे, और मैंने हाथ में उठा के देखा, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। और स्टाइलिश टोपियां वगैरह भी बच्चों के देखिए मिल रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत कंबल मिल रहे हैं और डूबे वगैरह भी मिल रहे हैं। और इन कंबलों की प्राइस है 1600-3200, मतलब यहाँ भी क्वालिटी के हिसाब से। और ये देखिए सोफ़ा कवर वगैरह भी मिल रहे हैं। और अभी आप देखिए ये कंबल दिखा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी भी और डिज़ाइन भी इसकी अच्छी है बहुत। और इस कंबल की प्राइस 3200 रुपये मैंने पूछा था तो ये बता रहे थे। ये देखिए और साथ में बेडशीट वगैरह भी बहुत ही अच्छी अच्छी दिखे मिल रही थी, और सोफा के कवर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखिए फिर से वुलन कपड़ों के यहाँ सेल लगी हुई है, 100 रुपये ऐसे करके सेल लगा हुआ है, 100 रुपये में एक पीस। और यहाँ पे ट्राउज़र वगैरह हैं और यहाँ पे वही कंबल वगैरह। और ये देखिए ट्राउज़र वगैरह, ये भी एक ट्राउज़र 100 रुपये में सेल लगा हुआ है। और स्वेटर वगैरह भी हैं ये देखिए, और स्टॉल वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये देखिए इस पे प्राइस लिखी हुई है 100 रुपये। और ये देखिए स्टॉल दुपट्टे वगैरह भी हैं यहाँ लगे हुए। और फ्रेंड्स एक और शिल्प मेला लगा हुआ है चौका घाट वाराणसी में ही, सांस्कृतिक संकुल में लगा हुआ है। तो अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं तो एक बार वहाँ भी ज़रूर जाएं, वहाँ भी फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिल रहा है वहाँ क्योंकि। और फ्रेंड्स वहाँ पे नवंबर दिसंबर में तो हमेशा ही शिल्प मेला का आयोजन होता रहता है जिसमें अनेक राज्यों के लोग स्टॉल लगाते हैं और अपनी हस्तकलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी कुछ वैरायटी भी है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।